आज आप कुर्ते कटिंग सीखेंगे। सिंपल स्ट्रेट कुर्ती कटिंग। सो उसके लिए हमने ये बैक साइड और फ्रंट साइड को पीस को अलग अलग कर लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम इसे फोल्ड करते हैं। आपका चेस्ट जितना मेजरमेंट होगा उसका 1/4 + 2 इंच करके आप इसे फोल्ड कर लीजिए। चेस्ट 42 है तो उसका 1/4 हो गया आपका 10.5 + 2। सो 42 / 1/4 = 10.5 + 2 = 12.5 का हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं 10 का में। ओके, पूरा स्ट्रेट कर लिया। ये आपका बैक साइड का आएगा। फर्स्ट हम लोग पहले बैक साइड का कटिंग करना सीखते हैं। ये आपका फ्रंट है, मतलब कपड़े का फ्रंट और ये बैक। हमेशा कटिंग आप जब भी कटिंग करें, मार्क करें, तो उसको बैक साइड से क्रॉस कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये कपड़े बैक का है या फ्रंट का है। लेंथ आपका 42 है। सो पहले हम लोग लेंथ ले लेते हैं। लेंथ 42 प्लस 2 इंच 42 प्लस 2 इंच 44 में हम लोग पहले मार्क लगा लेते हैं। आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख सकते हैं। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शोल्डर। शोल्डर आपका 14 है, 14 का हाफ कर लीजिए, 7 आ गया। देन 7 इंच आपका शोल्डर, यहाँ मार्क कर लीजिए आप। जितना आपका शोल्डर होगा सेम आर्म होल हो आपका उतना ही लेना है। हम 7 इंच लेंगे। अब इस जगह हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। ये स्ट्रेट हो गया। इसके बाद वेस्ट। वेस्ट हम लोग 15 से 16 इंच रखते हैं। 16 इंच हियर। एंड हिप का कटिंग आपका 21 से 22 इंच आप रख सकते हैं। 21 से 22 इंच के, तो मैंने 22 इंच रख लिया। अब यहाँ भी हम लोग ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। किस मेजरमेंट में आएगा उसने मार्क किया, देन वेस्ट एंड देन हिप में स्ट्रेट लाइन आप खींच लीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका जो मेजरमेंट होगा उसे आप तरीके से आप मार्क कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। ये आपका फोल्ड साइड है। ओके, फोल्ड साइड हमेशा अपने साइड में रखिए। दिस इज योर ओपन साइड। ओके, नाउ ये हमने 7 इंच लिया, यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए 7 इंच। देन चेस्ट आपका हुआ 42 है, 42 को 1/4 से डिवाइड करेंगे, देन इज 10.5 है। सो 10.5
ये चेस्ट हो गया, वेस्ट आपका 39 है, 39 का 1/4, 9.5, देन हिप आपका 42 है, 1/4, 10.5. ये हो गया आपका जॉइन. नाउ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप 1.5 भी रख सकते हैं एंड 2 मेजरमेंट, मीन्स 1.5 से आप 2 मेजरमेंट तक आप मार्जिन रख सकते हैं सिलाई के लिए. सो यहाँ से मैंने 1.5 ले लिया. यहाँ ये आपका हो गया एक्यूरेट मेजरमेंट जहाँ आप स्टिच करेंगे, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया जो आपके एक्स्ट्रा कप के लिए आप यहां से 1 इंच स्ट्रेट करके और जस्ट यहां से आपका 1.5 इंच से आप इसको सर्कल कीजिए. ये आपका सर्कल हो गया. नाउ नेक हम 2.5 रखते हैं. अब बैक साइड नेक डीप एट इंच. आप नेक में यहाँ पर ही, यहाँ हमने 2.5 रखा, यहाँ पर ही आप 2.5 रख सकते हैं, 3 भी रख जॉइन कर. अब इसे आप शेप दे दीजिए. अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं. स्लाइटली यहाँ पे हम 1/2 इंच कट कर देंगे. ये आपका बैक साइड कटिंग रेडी हो गया. अब इसमें मार्क कर दीजिए ताकि आपको कपड़े का उल्टा फ्रंट और बैक पता चले. तो ये आपका फैब्रिक का बैक साइड है. हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे. हम
हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसी कपड़े पर हम जो हमने कटिंग किया है उसे ठीक से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इस जगह आप मार्क कर लीजिए ताकि ये मूव ना हो, कटिंग सही से। जो बिगनर है वो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग ना करके न्यूज़पेपर या ब्राउन पेपर में करेंगे जो ज़्यादा अच्छा होगा। अब नेक, फ्रंट की नेक साढ़े छः इंच, सेम वे में इधर आप ढाई से पौने तीन या तीन तक आप रख सकते हैं। ड्रॉ कर लीजिए इस तरह और शेप दीजिए। फ्रंट साइड के आर्म होल में इधर से आपको हाफ इंच कटिंग करनी है। कटिंग कर लीजिए, कपड़ा एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, डबल कपड़ा तो आपके दूसरे कपड़े में कटिंग ना।